अरे गृह मंत्री कोनो जादूगर है कि बदल कर देगा? इसका पहले भी तो गृह मंत्री आया है, खाली आज ही आया है। हम डेली काम करते हैं, हमको अलग से तैयारी करने का क्या जरूरत है? लेकिन झारखंड के जनता आज के दिन में माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन के साथ और माननीय हेमंत सोरेन जी का जितना कार्यशैली है उस पर आस्था और विश्वास रखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों में लगी है और बात करें झारखंड में तो सत्ता में जो काबिज झामुमो है वो भी लगातार बैठक कर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। हमारे साथ समीर मोहंती हैं, विधायक हैं। दादा, जिस तरह से कोल्हान में चुनाव से पहले आप लोगों का एक विकेट गिर गया, अब आप लोग तैयारी करते तो उस कमी को कैसे भरपाई कीजिएगा? देखिए, कमी वाला बात नहीं, ये भी आप जान लीजिए कि हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोल्हान में तोड़ने का प्रयास किया है। इसका पहले मार्डी गुट बना है, जेपीपी बना, आईसू बना, कई बार संगठन को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग आज कहाँ पर है, अपने पैरों तले जमीन खिसक गया है। और ये राजनीति का टूट और घूट राजनीति का नियति है, इस पर हम लोग घबराएंगे नहीं। ये बात सही है कि माननीय चंपा सोरेन जी एक बड़े लीडर है, लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन झारखंड के जनता आज के दिन में माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन के साथ और हेमंत सोरेन माननीय हेमंत सोरेन जी का जितना कार्यशैली है उस पर आस्था और विश्वास रखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने वहां से चुनावी शंखनाद किया, मौसम खराब हुआ तो बाई रोड ही निकल गए वहां पे, एक बड़ी जनसभा समझो, जमकर आप लोग पर हमला बोला है कि आदिवासियों का अपमान करते हैं। अच्छा, आदिवासी को अपमान करते तो आदिवासी को सम्मान किसने दिया? हम लोग एक वीडियो में देख रहे थे कि देश का सर्वोच्च पद में जो है द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति, वो खड़ा है, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री बैठा है, ये सम्मान है। अगर ऐसे ही बात करेगा तो फिर आप अब मुख्यमंत्री बनाया यहाँ पर आपका रघुवर दास को, और इस तरह का जो बात आज कर रहा है ये बिल्कुल निराधार बात है, ये जनता को धोखा देने वाला बात कर रहा है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह कमर कसा है, कई राज्यों के जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सुस्त दिख रहे हैं। अरे बगल में हमको क्या जरूरत है, बोलिए ना, हम हर दिन काम करते हैं। जो बच्चा डेली पढ़ाई से बाहर भागता है वो परीक्षा का पहले पढ़ते रहता है, रात भर जागता है। हम डेली काम करते हैं, हमको अलग से तैयारी करने का क्या जरूरत है? और निश्चित रूप से आपको मालूम है कि मेरा प्रतिवेशी राज्य बंगाल जो है, मेरा सीमावर्ती क्षेत्र है, वह पूरे राज्य नहीं पूरे देश का मुख्यमंत्री लोग पहुँच गया और वहाँ पर डेरा डाल के रह गया, लेकिन क्या हो गया? वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से लटे हुए हैं। परिवर्तन संकल्प सभा आप कर रहे हैं, खुद आज हम गृह मंत्री पहुँचे हैं अमित शाह संथाल से, वहाँ से कह रहे हैं कि सरकार ने पूरे झारखंड को बदलना है। अब अरे गृह मंत्री कोनो जादूगर है कि बदल कर देगा? इसका पहले भी तो गृह मंत्री आया है, खाली आज ही आया है, इसलिए उस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति झारखंड के जनता का आस्था और विश्वास है, माननीय हेमंत सोरेन के प्रति, माननीय गुरु जी के प्रति। तरह से तैयार है आप लोग कोई भी आ जाए? हम हमेशा तैयार हैं। मेरा रूटीन कार्यक्रम जो है वो उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। वो लोग परीक्षा का पहले पढ़ता है, इलेक्शन आता है तो तब वो लोग हल्ला गुल्ला करता है। हम तो हमेशा, मेरा कैरेक्टर यही है। 5 साल से पूरे तैयारी से आप? बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि कोई भी आ जाए, अमित शाह पहुँचे या प्रधानमंत्री या तमाम जो मुख्यमंत्री आ रहे भाजपा शासित राज्यों को, इससे कोई फर्क झारखंड में नहीं पड़ने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तैयारी के साथ चुनाव जीतने के बाद से ही अपने काम को पूरा कर रही थी और यही वजह है कि अब फिर से सरकार बनाने जा रही है। जब चुनाव की घोषणा होगी तो इसका जवाब जनता देगी, ऐसा विधायक समीर मोहंती का करना है। लेकिन अब वक्त बताएगा कि आखिर चुनाव में जनता किसके साथ जाती है और किसे औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।